हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ईमो से रिलेटेड यहां पर कुछ बातें बताने जा रहा हूं। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि ईमो में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर अभी चल रहे हैं, निकल कर नया नया अपडेट निकल कर आ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ईमो अकाउंट में कलर ट्यून कैसे सेट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपका कोई दोस्त कॉल करेगा तो आप जो भी वहाँ पर सॉन्ग रखना चाहेंगे इसमें सेट करेंगे, वो उनको सुनाई देगा। जैसे कि हम मोबाइल सिम पर एक्टिवेट करते हैं तो जैसे ही मेरा कॉलर या फिर कोई मेरा दोस्त कॉल करता है तो उनको जो मैं यहाँ पर कॉल को सेट करके रखता हूँ कलर ट्यून, वो उनको सुनाई देता है। तो ईमो में भी आप आसानी से सेट कर सकते हैं, वो भी अपने वॉइस में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर फटाफट बताता हूँ। तो फ्रेंड, आपको एक काम करना है कि प्ले स्टोर से सबसे पहले अपने ईमो अकाउंट को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अभी ये 18 अगस्त को ईमो ने अपडेट दिया था, तो आपको अपना ये लेटेस्ट वर्जन बना लेना है, प्ले स्टोर से अपना ईमो को अपडेट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ईमो का जब मेन वर्जन है इसी की बात कर रहा हूँ, मैं बेटा वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर चलिए मैं अपना ईमो अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप कलर ट्यून कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करेंगे तो मे भी आपको समझ में नहीं आ पाए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे एक लेफ्ट साइड में एक प्लस का आइकन बना हुआ है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कौन सा आइकन पर आपको क्लिक करना है। नीचे आप देखेंगे प्लस के आइकन पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन बना हुआ है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग, तो आपको यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग को ओपन करता हूँ। उसके बाद ऊपर से दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। सिंपल हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऊपर से चौथे नंबर पर आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, कॉल सेटिंग। जी फ्रेंड, जिसमें बताया जा रहा है कि रिंग टोन, वाइब्रेट और कॉलर ट्यून। जी फ्रेंड, आपको कॉल सेटिंग पर क्लिक करना है, बाकी यहाँ जितने भी सेटिंग बनना है सबको इग्नोर कर देना है, आपको कॉल सेटिंग पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर कॉल सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे कि एक कॉलर ट्यून का ऑप्शन बना हुआ है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्यून सेट है, जो कि आप कॉल करते होंगे कहीं भी तो वो रिंग टोन जो सुनाई देता है वो ईमो का होता है। तो आपको यहाँ पर कलर ट्यून पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कलर ट्यून पर क्लिक करेंगे तो ईमो के द्वारा दिया हुआ यहाँ पर बहुत सारे आपको सॉन्ग देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर मेरा सा नेट काम नहीं कर रहा है, स्लो है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडियन सॉन्ग आपको यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारे कैटेगरी में आपको यहाँ पर दिखाई जा रहा है। तो जो भी आप सॉन्ग को कलर ट्यून बनाना चाहते हैं, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि सिंग बॉक्स नाम का एक एप्लीकेशन है, सबसे पहले उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, वो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे या फिर यहाँ से जो भी सॉन्ग है उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉन्ग प्ले हो जाएंगे। उस पर अपने वॉइस में यहाँ पर अपना गाने को रिकॉर्ड करके सिंग बॉक्स में आसानी से यहाँ पर अकाउंट बना करके सिंग बॉक्स में और अपना वॉइस डबिंग करके कलर ट्यून सेट कर सकते हैं। तो ईमो की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ स्क्रॉल डाउन करके कि देख लीजिएगा, बहुत सारे सॉन्ग यहाँ पर बताए जा रहे हैं और शॉर्ट, रोमांटिक, हैप्पी, सैड, बहुत सारे कैटेगरी में भी आपको यहाँ पर सॉन्ग देखने को मिल जाता है। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा प्ले स्टोर में लेके जाएगा सिंग बॉक्स डाउनलोड करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।